कांगड़ा की सीमा से सटे उपमंडल तलबाड़ा के अधीन पड़ते गांव फतेहपुर का एक युवक सैनिक सुखविंदर सिंह राजौरी बॉर्डर में पाकिस्तानी गोलीबारी में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। सुखविंदर सिंह मई 2017 को सेना की 18 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुआ था और जम्मू कश्मीर स्थित राजौरी बॉर्डर पर तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहा था। घर से भारत पाक बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए जाते समय सुखविंदर सिंह कहकर गए थे कि वह जल्दी ही लौटेंगे, लेकिन आज सुखविंदर सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा। सुखविंदर देश की रक्षा करते हुए अपनी मां रानी देवी और बड़े भाई गुरपाल सिंह को हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़ गया है। युवाओं में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के साथ साथ शहादत पर गर्व भी है। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव फतेहपुर के शमशान घाट में किया गया। पिछले माह ही सुखविंदर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर आया था। ड्यूटी पर वापस जाते समय उसने कहा था कि वह जल्द ही घर वापस लौटेगा, मगर उन्हें क्या पता था कि अब खुद नहीं बल्कि ताबूत में लिपटा उसका पार्थिव शरीर आएगा। मां रानी देवी व बड़े भाई गुरपाल सिंह के आंसू थम नहीं रहे थे। पाक की नापाक हरकतों से गांव वासियों में खासा आक्रोश है। सुखविंदर की शहादत में पूरे गांव में मातम छा गया है। लोग शहीद के परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। माता का नाम रानी देवी, ते दो भरा ही गए ते एलओसी ते राजौरी सेंटर च उत्थे एलओसी दे गश्त करदे पए सी ते उन्होंने पाकिस्तान ने उधरों गोले सट्टे जिदे करके वह दो बंदे शहीद हो गए ने उत्थे ते 2017 च भर्ती होया मई महीने 2.5 साल सर्विस हुई ही हले की ते 20 साल की उम्र ही हले की 21 साल मां लगा ही इन ते अपने पिछे माता ते एक ब्रदर नूं अपने छड़ गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।